कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था, मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था कि कर क्या रहे। हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था कि कर क्या रहे। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था, मोची हैं, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी। मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता। मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने। बातचीत हुई, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो मेरा बेटा है, ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि इसने कहा कि इस काम में इज्जत नहीं। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते। मैं जब जा रहा था, मैं सोच रहा था इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिलती। और ऐसे हजारों लोग। और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। रियलिटी है देश की। और ये सारे के सारे जो नेटवर्क्स हैं, 21वीं सदी में हम इसको नेटवर्क कह सकते हैं, चाहे ये बढ़ईयों का नेटवर्क हो, मोचियों का नेटवर्क हो, धोबियों का नेटवर्क हो, इन सब में बहुत गहरी स्किल छुपी हुई है। हाथ मिलाने से पता लग जाता है। आप धोबी से हाथ मिलाइए, वो ऐसा दबाता है हवा निकल जाती है। मैंने किया है, जैसे पकड़ता है ऐसे लगता है कि भैया 10-15 लोगों ने पकड़ लिया।